नमस्कार। सो गाइस, आपको पता होगा नासिक में नियो मेट्रो प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया है एंड इस प्रोजेक्ट के अंदर कन्वेंशनल मेट्रो कोचेस को यूज नहीं किया जाएगा। इंस्टेड इस प्रोजेक्ट के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस को यूज किया जाएगा। बट ये बसेस नॉर्मल बसेस नहीं है, इनकी कैपेसिटी 240 टू 250 पैसेंजर्स है, यानी 250 पैसेंजर्स एक टाइम में एक ही बस में ट्रैवल कर पाएंगे एंड ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। साथ ही में ये सारी की सारी बसेस फुल्ली इलेक्ट्रिक रहेगी, इनको ओवरहेड केबल से भी पावर मिल सकता है एंड इनके लिए डेपो भी रहेगा एंड इनको एक स्पेसिफिक ट्रैक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ये कहीं पे भी चल सकती है। इनके लिए रबर टायर्स रहेंगे तो ये भी एक अच्छी बात है। अभी 16 अगस्त को मिस्टर प्रवीण मुढोलकर, जो बीबीसी न्यूज़ नागपुर में एक ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट है, उन्होंने मुझे कुछ वीडियो क्लिप्स भेजे हैं। बेसिकली उन्होंने नागपुर में इस नियो मेट्रो प्रोजेक्ट के कोचेस को स्पॉट किया है एंड उसके उन्होंने वीडियोस निकाले हैं बहुत सारे, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो पहले हम ये वीडियोस देख लेते हैं, उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट के बारे में और भी डिटेल में जानेंगे। सो लेट अस सी द वीडियोस। सो गाइस, ये जो प्रोजेक्ट है ये महाराष्ट्र मेट्रो या महामेट्रो इम्प्लीमेंट करने वाली है या कर रही है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी के लिए दो रूट्स फाइनलाइज हुए हैं। लाइन नंबर 1 शुरू होती है गंगापुर से एंड एंड होती है नासिक रोड रेलवे स्टेशन। इसकी टोटल लंबाई है 22 किलोमीटर्स विथ 19 स्टेशंस। फिर लाइन नंबर 2 वापस से शुरू होती है गंगापुर से एंड एंड होती है मुंबई नाका पे। इसकी टोटल लंबाई रहेगी 10 किलोमीटर्स विद 10 स्टेशंस। तो ये थी इन्फॉर्मेशन इसके अलाइनमेंट के बारे में। फिर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसके जो कोचेस है वो कहीं पे भी चल सकते हैं नॉर्मली। तो इसके लिए इसके जो डेपो रहेगा या डेपोज रहेंगे वो नॉर्मल बस डेपो की तरह ही रहेंगे एंड वहाँ से कोच निकलेगी, रैम के थ्रू वो ऊपर ब्रिज के ऊपर जाएगी एंड ट्रैक के ऊपर चली जाएगी। अभी महामेट्रो ने 2 साल पहले एक वीडियो पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ बताया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ एंड उस वीडियो के अंदर उन्होंने एक ब्रिज दिखाया है जिसके ऊपर ये नियो मेट्रो चल रही है एंड एक रैम्प भी दिखाया है कि कैसे डेपो से निकल के ये जो नियो मेट्रो कोचेस है ये प्रॉपर वायाडक्ट पे जा सकेंगे। तो ये एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है एंड अभी इसका करंट स्टेटस क्या है मुझे नहीं पता है। अभी कोचेस स्पॉट हुए हैं, आगे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आपको आज का ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा
तो इसको एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही में अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा दीजिए। मैंने देखा है आप लोग वीडियोस को देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल ही फ्री है, कुछ भी पे नहीं करना होगा। एंड साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, मास्क पहनते रहे एंड अपना वैक्सीन का डोज जल्दी से जल्दी ले। अभी रिसेंटली कल ही इंडिया ने एक दिन के अंदर 1 करोड़ वैक्सीन डोजेस लगाई है, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक्चुअली, तो इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेशंस इसके लिए। सो थैंक यू, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।